नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पर पोती का लेख, गंगा जमुना स्कूल के हिजाब का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है। गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द कराने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पीजी कॉलेज दमोह में एकत्रित हुए। गंगा जमुना विद्यालय की मान्यता रद्द कराने हेतु जल्दबाजी में जो अधिकारियों ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी, उनको निष्कासित कराने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। माना कि जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया गया तो फिर दमोह कलेक्टर पर गाज कब गिरेगी। गंगा जमुना स्कूल हिजाब मामले में लीपापोती और सनातन धर्म को कुचलने के विरोध में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित बजाज, भाजपा नेता मोंटी रेक्वार कार्यकर्ताओं के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दमोह पहुंचे कर जिला शिक्षा अधिकारी जब कार्यालय से कहीं जा रहे थे तभी रास्ते में रोककर अमित बजाज गोलू ने अपने साथियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पर कालिक पोती। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक संदीप शर्मा, ओम रेकवार, विष्णु साहू, सुमित गुप्ता, संगीत सिंह राजपूत, निहाल सिंह राजपूत, कपिल सिंह तोमर, राहुल यादव, अभिषेक राय सहित प्रमुख रूप से भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गोलू बजाज ने कहा कि शिक्षा अधिकारी ने जिस प्रकार से गंगा जमुना स्कूल वालों, संपूर्ण हिंदू समाज एवं सनातन का अपमान किया था, हमारे भ्रष्ट जिलाधिकारी ने इस जांच में पैसा लेकर तुरंत रफा दफा कर दिया था। हिंदू समाज का अपमान था इसलिए मुंह पर काला किया गया। भाई मोंटी रेक्वार ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पहले से ही संदिग्ध थी। हिंदू समाज के सारे संगठन जिला शिक्षा अधिकारी पर पहले से ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का जो सनातन हिंदू समाज के प्रति षड्यंत्र था उससे संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित था, इसलिए उनका मुंह काला किया गया। आइए जानते हैं मोंटी रेक्वार और अमित बजाज जिला उपाध्यक्ष भाजपा ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पे कालक पोता है क्या? निश्चित रूप से दमोह जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध थी और हिंदू समाज के सारे संगठन जिला शिक्षा अधिकारी पर पहले दिन से ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का जो सनातन और हिंदू समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र था उससे हिंदू समाज आक्रोशित थी। मैंने 3 दिन पहले ही घोषणा की थी कि जिला शिक्षा अधिकारी के मुंह पर कालक पोतूंगा और जिला शिक्षा अधिकारी बार बार वस्ते नजर आ रहे थे। आज हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी वहां पर कालिक पोती है और मैं कहना चाहता हूं जो भी अधिकारी कर्मचारी यदि हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास करेंगे तो हिंदू युवा शांत बैठने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। आप लोगों ने कालिक क्या? जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस प्रकार से गंगा जमुना स्कूल वालों ने संपूर्ण हिंदू समाज का एवं सनातन का अपमान किया था और हमारे भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने पैसे लेकर उसको तुरंत रफा दफा कर दिया, ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान था। आज हम लोगों ने मुंह काला करके जिला शिक्षा अधिकारी का जवाब दिया है। आगे और भी कोई आगे इस प्रकार की जो भी गतिविधियाँ होंगे इसी प्रकार से हम लोग जवाब देते रहेंगे।